फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस ब्लू हेवन के शिमर डस्ट पाउडर का रिव्यू। ये जो ब्लू हेवन के शिमर डस्ट पाउडर है, ये देख सकते हो आप, छोटू छोटू सी पैकेजिंग है, लेकिन ये बहुत कमाल की चीज है। इनका आप कई तरीकों से यूज कर सकते हो। मोस्टली इसका यूज तभी किया जाता है जब हम कोई फंक्शन पार्टी के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे पाउडर है, आपके ना मेकअप में जान डाल देते हैं और कई तरीकों से आप इनका यूज कर सकते हो। तो बहुत अच्छे पाउडर है, पैकेजिंग आप देख सकते हो कितनी प्यारी और छोटी सी पैकेजिंग है, बट बहुत कमाल की चीज है। चलिए मैं आपको ये पहले शिमर डस्ट पाउडर दिखा देती हूँ, नजदीक से इनकी पैकेजिंग दिखाती हूँ, प्राइस बता देती हूँ, आप कैसे कैसे इनका यूज कर सकते हो वो भी बताती हूँ। तो चलिए पहले आप देख लीजिए ये शिमर डस्ट पाउडर। गाइज, ये है ब्लू हेवन के शिमर डस्ट पाउडर्स और ये दो शेड्स मैंने अपने लिए मंगवाए हैं, गोल्डन और पिंक शेड, क्योंकि मेरे यूज में ये दो ही शेड ज़्यादा आते हैं। अगर आपको और शेड्स चाहिए तो और शेड्स इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। प्राइस आप इसका देख सकते हो, 95 रुपीज़ इसका प्राइस है और 5 साल तक की इसकी शेल्फ लाइफ है। 5 साल तक ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है, तो ये इसकी सबसे खास बात मुझे लगती है। क्योंकि क्या होता है ना, वैसे भी हम लोग ये जो शिमर डस्ट पाउडर होता है उनका डेली यूज़ नहीं करते हैं, नाइट के किसी पार्टी फंक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है, अपने मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी बॉडी को जो थोड़ा सा शिमरी दिखाने के लिए, या हम इसे एज अ आई शेडो यानी कि आईज़ में जैसे ग्लिटर का यूज़ किया जाता है वैसे यूज़ कर लेते हैं, तो कभी कभी यूज़ किया जाता है। तो उसके हिसाब से शेल्फ लाइफ इसकी आपको बहुत लंबी मिल जाएगी, तो एक बार आपको लेना है। और 5 साल तक ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है। पार्टिकल्स आप इसके देखो, यहाँ पर कितने स्मूथ पार्टिकल्स हैं, मींस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे कई बार आपने देखा होगा कई ग्लिटरी या शिमरी पाउडर होते हैं ना, उनके पार्टिकल्स काफ़ी मतलब चंकी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिखते हैं। बट अगर आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लोगे, बहुत थोड़ी सी लोगे, और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करोगे ना, तो ये बहुत अच्छी सी शाइनिंग मतलब आपकी स्किन पे लगती है। और वैसे भी इसका यूज़ जो है नाइट के टाइम पर ही किया जाता है। दिन के टाइम पर वैसे भी इस तरीके के जो शिमर डस्ट पाउडर्स होते हैं या ग्लिटर्स होते हैं उनका यूज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना दिखाई देते हैं। नाइट के टाइम पर अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत अच्छे भी दिखते हैं और बॉडी में ना एक शाइनिंग सी लगती है, मतलब आप अपने बॉडी के जिस भी पार्ट पे लगाओगे वहाँ पे एक अच्छी सी शाइनिंग दिखाई देती है। और आप इसे एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ हाइलाइटर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप इसका यूज़ अपनी आईज़ पे करो ना, तो जैसे मैंने अभी देखा आपने, मैंने यहाँ पर कंसीलर लगाया है। कंसीलर वैसे तो आई शेडो से पहले लगाते ही हैं, बट जब हम इस तरीके के ग्लिटर्स का यूज़ करते हैं ना, तब हमें क्या करना चाहिए, जितने एरिया पर हम उसे लगा रहे हैं तो हमें वहाँ पर कंसीलर लगाना चाहिए, और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से हमें ये शिमर डस्ट पाउडर लेने हैं। और जितने एरिए पे आप लगाना चाहते हो, मतलब ये जो डस्ट पाउडर्स होते हैं शिमर डस्ट पाउडर्स, वहाँ पे आपको बस उन्हें प्लेस कर देना है। जब आप इस तरीके से इनका यूज़ अपनी आईज़ पे करोगे एज अ आई शेडो, या आपको सिर्फ अपने थोड़े से एरिए पे आईज़ पे लगाना है, हाफ साइड पे लगाना है, तो आप इस तरीके से कंसीलर का यूज़ कीजिए। क्योंकि कंसीलर का यूज़ करने से क्या होता है, ये जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं अच्छी तरीके से कंसीलर के साथ चिपक जाते हैं और बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता है। अच्छा, इसे लगाते टाइम जितना भी थोड़ा बहुत फॉल आउट होगा तो आप ब्रश की हेल्प से इजीली उन्हें हटा सकते हो, क्योंकि ये शिमर डस्ट पाउडर्स है, लगाते टाइम थोड़ा बहुत फॉल आउट तो होता ही है, तो ब्रश से हटा लीजिए। बाकी जो भी आप कंसीलर पे लगाओगे ना, वो बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होगा। बहुत अच्छे, बहुत फाइन पार्टिकल्स वाला ये शिमर डस्ट पाउडर है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी शेड आपको पसंद है, आपको लगता है आप यूज़ कर सकते हो उस शेड को, तो आप मंगा सकते हो। फिलहाल मेरे यूज़ में ये दो शेड्स आते हैं, तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो इन्हें एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मैंने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग ये पिंक और ये गोल्डन शेड मंगा रखा है, लेकिन अगर आप और भी कलर चाहते हो तो आपको और भी कलर की वैरायटी मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छे वाले पाउडर है, और मैंने आपको बताया कि आप किस किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे पाउडर है, हमारे कलेक्शन में ऐसे एक दो शेड तो होने ही चाहिए ना, कि जिसे हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सके। तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे, बट मैंने परचेस किया था नायका से, तो लिंक दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इन्हें एक बार जरूर चेकआउट करके देखिए। इन्हीं
चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी शेड आपको लगता है ना आपके यूज में आ सकती है आप उसे मंगा सकते हो। मैं सिर्फ इन दो शेड्स का ही यूज कर पाती हूँ तो इसलिए मैंने ये दो शेड रखे हुए हैं। बाकी अगर आप अलग अलग यूज कर पाओ तो आप कर सकते हो, तो इन्हें एक बार ट्राई करके जरूर देखना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।